तो इलस्ट्रेशन 5 देखो, इसमें लिखा है व्हाइट लिमिटेड विद देयर हेड ऑफिस एट कोलकाता इनवॉइस्ड गुड्स टू देयर रांची ब्रांच एट 20% लेस देन लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस मतलब कैटलॉग प्राइस विच इज सेलिंग प्राइस। तो ये सारा एक ही चीज का नाम है। लीस्ट प्राइस का मतलब होता है कैटलॉग प्राइस। जिसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो बोल रहा है कि इनवॉइस हेड ऑफिस है कोलकाता में और वो अपना ब्रांच खोल के रखा है रांची में, और वो वहां पर जब रांची में सामान देता है तो इनवॉइस प्राइस पे देता है। इनवॉइस प्राइस कितना है? लीस्ट प्राइस से 20% कम, विच इज कॉस्ट प्लस 100%। अगर लीस्ट प्राइस के बाद में लिखा है विच इज कॉस्ट प्लस 100%, मतलब लीस्ट प्राइस है कॉस्ट प्लस 100%। तो पहले लीस्ट प्राइस, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा ही 100 होता है, और लीस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्लस 100%, मतलब 100 प्लस 100%, मतलब 200 रुपीज। ये हम लोग का लिस्ट प्राइस है। इसके बाद बोल रहा है इनवॉइस प्राइस कितना है। इनवॉइस प्राइस है 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, मतलब जो लिस्ट प्राइस है उससे 20% कम, दैट इज 160। तो ये हम लोग तीनों रेट निकाल लिए, कॉस्ट प्राइस, लीस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं, विद इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल्स आर मेड एट इनवॉइस प्राइस। कैश सेल हम लोग जितना भी करेंगे सब इनवॉइस प्राइस पे करेंगे, मतलब 160 में। एंड क्रेडिट सेल एट लीस्ट प्राइस, और क्रेडिट सेल करेंगे हमेशा 200 में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, जब तक हम लोग को बोल रहा था कि प्रॉफिट निकालो, ब्रांच का प्रॉफिट ट्रेडिंग पीएल बनाओ, वैसा लैंग्वेज यूज करेगा तो वो फाइनल अकाउंट्स मेथड है। पर अगर हम लोग को दो तीन अकाउंट बनाने बोल देगा, जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, तो क्लियर रहे कि वो डेटस मेथड है। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं डेटस मेथड, ठीक है? तो यहाँ पे जो जो अकाउंट बनाने बोला है सारा एक साथ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं या एक एक करके। पहले एक बना रहे हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फॉर्मेट वही होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो अगर स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं तो स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग लिखेंगे। तो ओपनिंग कितना दिया है, स्टॉक ऑन 1/1/18 2400, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जो कि है 2400, और ये आईपी पे है। उसके बाद डेटर्स का ओपनिंग स्टॉक में नहीं लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। इसमें सिर्फ स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नोट डाउन करेंगे, जो कि है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो जीएसटीबी कितना है, 26400, और ये भी आईपी पे ही है। गुड्स रिटर्न टू एचओ मतलब बाई जीएसटीबी, मतलब रिटर्न, ये है 200। कैश सेल दिया है हम लोग को 9200, तो बाई सेल्स इसमें हम लोग, अच्छा इसमें सीधे बाई सेल्स नहीं लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है बाई बैंक, और डैश देके लिखेंगे कैश सेल।
उसमें डायरेक्टली हम लोग बाई सेल्स लिख देते हैं, पर इसमें डायरेक्टली बाई सेल्स नहीं लिख सकते, इसमें लिखेंगे बाई बैंक और फिर डैश दे के लिखेंगे कैश सेल, दैट इज 9200। उसके बाद है इसमें क्रेडिट, क्रेडिट सेल मतलब इसको डायरेक्टली क्रेडिट सेल नहीं लिख सकते, लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच डेटर्स। डैश देके लिखेंगे क्रेडिट सेल्स, दैट इज 20,000। याद रहे इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा जाता। फिर है एक्सपेंस एट ब्रांच, अगर ब्रांच में कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो वो यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद है रेमिटेंस, ये भी नहीं आएगा। डेटर्स का क्लोजिंग नहीं आएगा, पर स्टॉक का क्लोजिंग आएगा, दैट इज बाय बैलेंस सीडी, ये है 3520। अब किसी भी चीज का लोडिंग यहाँ पर नहीं हटाएंगे, याद रहे किसी भी चीज का लोडिंग यहाँ नहीं हटाया जाता है। तो यहाँ पे इसको इतना करके छोड़ दो। नेक्स्ट क्या बनाने बोला है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, या ये यहाँ पे भी हो सकता है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका भी फॉर्मेट सेम रहेगा। इसमें क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट अकाउंट में जाकर हम लोग लोडिंग को हटाते हैं। तो एडजस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ हम लोग एक चीज करते हैं, लोडिंग, समझ लो ये लोडिंग अकाउंट है। तो लोडिंग किसका किसका हटता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का हटेगा, जिसको हम लोग लिखते हैं स्टॉक रिजर्व, तो बाय स्टॉक रिजर्व 2400। अब लोड किसको कहते हैं, जो इनवॉइस प्राइस पे कॉस्ट प्राइस से एक्स्ट्रा होता है, तो कॉस्ट प्राइस है 100 और इनवॉइस प्राइस है 160, तो नीचे लिखेंगे 160 और लोड कितना है, सिर्फ 60। उसके बाद जीएसटीबी का, उसके बाद ये वाले जीएसटीबी का, उसके बाद बाय बैलेंस सीडी का, इतना करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग एक बार हमेशा निकाल लेंगे कि कोई सरप्लस है या नहीं। सरप्लस का यहाँ पे क्या मतलब है, कि कोई भी तरीके का शॉर्टेज या फिर सरप्लस है या नहीं, ये हर सम में हमेशा कर लेना। ये वाले जब भी मेथड आएगा तो शॉर्टेज है या सरप्लस है स्टॉक में, ये निकाल लेंगे, ये हमेशा चेक करना। तो इसके लिए वर्किंग्स में जाओ, ये हो सकता है कि कुछ भी ना निकले, हम लोग का वर्किंग्स करना वेस्ट हो जाए, पर सेफ साइड हमेशा कर लेना। शॉर्टेज या सरप्लस क्या होता है, जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कैलकुलेट किए थे कि क्लोजिंग स्टॉक जितना बचना चाहिए उतना ही है या नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक एट आईपी, हम लोग का कितना था 2400, हम लोग गुड्स रिसीव कितना किए थे, पर हम लोग कुछ गुड्स रिटर्न भी कर दिए थे, तो
तो हम लोग के पास टोटल गुड्स था कितना? 2400 पहले से था, 26400 और रिसीव किए थे और 200 वापस कर दिए थे, तो 28600 रुपीस का गुड्स हम लोग के पास था, उसमें से हम लोग कुछ सेल कर दिए थे तो कैश सेल किए थे। कैश सेल्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि कैश सेल हम लोग आईपी पे करते थे, तो ये सारा फिगर आईपी पे है। तो ये तो कैश सेल तो हम लोग आईपी पे ही है, दैट इज 9200, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर लेस, और हम लोग का गुड्स चला गया था, क्रेडिट सेल भी किए थे। क्रेडिट सेल कितने का किए थे? 20,000 का, पर 20,000 लीस्ट प्राइस पे था, हम लोग को सारा फिगर आईपी पे चाहिए, पर क्रेडिट सेल के लिए ऊपर इंफॉर्मेशन दिया था कि क्रेडिट सेल लीस्ट प्राइस पे है, मतलब ये 200 पे है, हम लोग को चाहिए आईपी मतलब 160 पे। याद रहे सारा चीज पैरिटी में होना चाहिए, अगर एक अगर सब आईपी में है तो इसको भी आईपी पे ले जाना होगा। तो ये 16,000 है, तो अगर इतना गुड्स हमारे पास था और इतना हम लोग बेच दिए तो हम लोग के पास कितने का गुड्स बचना चाहिए? हम लोग के पास 3400 का गुड्स बचना चाहिए, पर हम लोग के पास बचा कितना है? 3520, मतलब ज्यादा गुड्स बच गया है। क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 3520, और हम लोग के कैलकुलेशन से क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 3400, तो 120 का हम लोगों का सरप्लस है, मतलब हम लोग को ज्यादा दिख रहा है। हिसाब करने के बाद दिख रहा है कि 120 का ज्यादा स्टॉक हमारे पास है, बचना चाहिए था गोडाउन में 3400, पर स्टॉक में है कितना? 3520, तो 120 ज्यादा गुड्स है हमारे पास, तो वो हमारा गुड्स घुसता यहां से है, तो लिखेंगे 2 सरप्लस इन स्टॉक। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 4000। अच्छा, इसमें डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं लिखा जाता है, इसमें पहले लिखा जाता है टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, और डैश देके लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, That is 4000। तो याद रहे इसमें कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है। अब ये करने के बाद ये स्टॉक में भी तो लोडिंग होगा, जब सारा फिगर आईपी पे था तो सरप्लस भी हम लोग का आईपी पे ही निकला होगा, तो उसका लोड भी हम लोग को हटाना होगा, जिसको इस साइड हटाएंगे। तो इधर लिखेंगे बाय सरप्लस इन स्टॉक, तो 120 हम लोग का 160 था, तो 60 कितना? 45। इस तरह हम लोग का ये वाला भी खत्म हो गया, तो इससे हम लोग का निकलता है 2 ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें हम लोग का सीधे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आ जाएगा
और जो हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट में यहाँ पर लिखे थे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका क्रॉस पोस्टिंग में 4000 का यहाँ करना पड़ेगा, तो अभी आएगा 13450। ये स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट मेथड है जिसमें हम लोग का इतना सारा अकाउंट बनाने बोलता है, वो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है। अब अगर जो तीसरा कर रहे हैं वो डेटर्स मेथड है। दैट इज इलस्ट्रेशन 6। अब डेटर्स मेथड में क्या होता है, डेटर्स मेथड में बहुत सारा अकाउंट हम लोग को बनाने नहीं बोलता है। फाइनल अकाउंट्स मेथड में हमेशा बोलेगा ट्रेडिंग पीएल बनाओ, क्योंकि यही फाइनल अकाउंट्स है, जिसमें बहुत सारा अकाउंट बनाने बोलेगा वो हम लोग का स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है, और जिसमें सिर्फ बोलेगा ब्रांच अकाउंट बनाओ वो हम लोगों का डेटर्स मेथड है। तो इसमें सिर्फ बोल रहा है प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट, तो हम लोग लिखेंगे जो बनाने बोल रहा है हम लोग सिर्फ वही बनाएंगे। और ये सारा ही चीज याद रहे इन द बुक्स ऑफ एचओ होता है, तो अगर अपने याद के लिए लिखना है तो लिख लो इन द बुक्स ऑफ एचओ। एग्जाम में ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन द बुक्स ऑफ एचओ बना रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें एक ही अकाउंट बनाना है तो सभी कुछ इसी में डालना होगा, तो टू बैलेंस बीडी लिखकर जितना भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस देगा सब कुछ उतार लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है तो डैश देके स्टॉक लिखेंगे, और कितना दिया है 17,80,000। उसके बाद है ओपनिंग डेटर, तो डैश देके डेटर्स 1,40,000। उसके बाद है ओपनिंग पेटी कैश, तो पेटी कैश 2500। उसके बाद दिया फर्नीचर इन द बिगनिंग, मतलब फर्नीचर 60,000। तो इस तरह हम लोग को चार चीज दिया था, हम लोग चारों का ओपनिंग स्टॉक लिख लिए। अब याद रहे जितने भी चीज का ओपनिंग स्टॉक दिया है सभी का क्लोजिंग स्टॉक रहना मस्ट है, अगर नहीं रहा तो फाइंड करना पड़ेगा। पर जितना भी चीज का ओपनिंग बैलेंस देगा हमको सबका क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए। फिर दिया है गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो ये शुरू से पता इधर आता है, तो 2 GSTB कितना है 52,20,000। उसके बाद दिया है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, तो रिटर्न इधर आता है ये भी हम लोग को पता है, तो ये है 78,000। सारी चीजें वैसी है, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है। फिर है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, कस्टमर जो वापस करता है ब्रांच को, उसमें एचओ का कोई रोल नहीं है, एचओ के साथ लेन देन हो रहा है तो एचओ उसको लिखेगा, ये कौन बना रहा है, एचओ बना रहा है। तो अगर कस्टमर कोई सामान ब्रांच को रिटर्न किया है तो ये एचओ में नहीं, एचओ रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो ये वो नहीं लिखेगा। कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर, और ये वाला भी जो फिगर है कि ब्रांच कस्टमर से पैसा रिसीव कर रहा है ये एचओ रिकॉर्ड नहीं करेगा। देन है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये भी नहीं। बैड डेट रिटर्न ऑफ, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल, ये सब इसमें कुछ भी नहीं आएगा। फिर है पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ये जो है पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच ये यहाँ पे आएगा, पर कितना वो निकालना पड़ेगा। फिर दिया है चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट एंड इंश्योरेंस, और 78,700 दिया हम लोग को पेटी कैश का, ठीक है। अच्छा अब ये एक्चुअली होता क्या है, ब्रांच जो भी खर्च करता है, देखो वो जो भी अर्न करता है कैश सेल करे या जहां से भी पैसा मिले, वो पूरा पैसा एचओ को भेज देता है। एचओ क्या करता है, जितना ब्रांच को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए उतना फिर
ब्रांच को देता है, जैसे बेसिकली पेरेंट्स या गार्डियन करते हैं, हम लोग जो भी अर्न करते हैं बिजनेस में वो सीनियर को दे देते हैं, मतलब एचओ को दे देते हैं। फिर हमको कोई भी खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो फिर हम घर में मांगते हैं, तो यहाँ पे भी यही होता है। तो अब ब्रांच को पैसा कौन देता है खर्च करने के लिए? एचओ। तो वो एचओ का ही खर्चा हुआ तो उसको एचओ ही लिखेगा अपने बुक्स में, तो वो पर क्या बोल कर लिखेगा? वो उसको बोल कर लिखेगा टू बैंक, क्योंकि उसका पैसा तो जा रहा है ना, ये कौन बना रहा है? एचओ बना रहा है, तो एचओ का पैसा जा रहा है, दैट इज टू बैंक। पर क्यों जा रहा है ये नीचे डैश दे देकर लिखना पड़ेगा। तो रीजन क्या क्या है? पहला है सैलरीज 3 लाख, रेंट 1,20,000, पेटी कैश, पेटी कैश मतलब पेटी एक्सपेंस, छोटा मोटा खर्चा, इतना खर्च टोटल एचओ ने पे किया है। उसके बाद और क्या? अब जितना भी चीज, अच्छा नीचे दिया है गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%। हम लोग कस्टमर को कोई भी सामान भेजते हैं तो कॉस्ट में 50% ऐड करके, फर्नीचर डेप्रिशिएट होता है 10% से। अब हम क्या बोले, जितना भी चीज का ओपनिंग होगा उन सब चीज का क्लोजिंग होना मस्ट है, तो हम लोग को बाई बैलेंस सीडी भी लिखना होगा। और जितने चीज का ओपनिंग था, मतलब टोटल 4 चीज का ओपनिंग था, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश और फर्नीचर, इन चारों का हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए। स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश और फर्नीचर, इन चारों का मेरे को क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए। तो अब इन चारों का क्लोजिंग बैलेंस सब में तो दिया नहीं है, हम लोग को निकालना होगा। अब अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग सबका फिर अकाउंट बना बना के निकालेंगे, ठीक है? सब फर्नीचर तो ऐसे ही निकल जाएगा, बोल रहा है 60,000 का फर्नीचर था जिसपे 10% का डेप्रिसिएशन है, तो 60,000 का 10% हटा देंगे, दैट इज 54,000। ये फर्नीचर तो इतना इजिली निकल गया, बट बाकी सारी चीजों को हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। अब स्टॉक अकाउंट बनाना होगा, डेटर्स अकाउंट बनाना होगा, पेटी कैश अकाउंट बनाना होगा। ये तीनों अकाउंट क्यों बना रहे हैं? तीनों का क्लोजिंग निकालने के लिए। पर हम लोग को सम नहीं बोला है कि ये सब का अकाउंट बनाओ, हम लोग खुद बना रहे हैं। अगर हम लोग खुद बना रहे हैं तो मेमोरेंडम वर्ड का यूज करेंगे। मेमोरेंडम वर्ड का मतलब होता है कि हम खुद बना रहे हैं, सम नहीं बोला है, मतलब इसको वर्किंग्स नहीं लिखा जाता है, ये सम का ही पार्ट होता है। पर मेमोरेंडम बोलने से पता चलता है कि सम हमको बनाने नहीं बोला था। तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो 3 अकाउंट ड्रॉ कर लो, एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एक ब्रांच मतलब मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, इतना हम लोग ड्रॉ कर लिए। इसके बाद सबका ओपनिंग तो लिखना ही होगा, तो टू बैलेंस बीबी,
अब स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्या था, सबका ओपनिंग बैलेंस हम लोग के पास है तो सबका ओपनिंग लिख दो, दैट इज 17,80,000। डेटर्स में था 1,40,000 और कैश का था 2,500। इतना तो हम लोग को पता था। इसके बाद अब डेटर्स में क्या क्या आएगा, बोल रहा है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, मतलब ब्रांच ने कस्टमर को सेल किया होगा और कस्टमर ने उसे रिटर्न कर दिया होगा, तो कस्टमर का कोई भी चीज डेटर्स में आता है और इधर आता है बाय सेल्स रिटर्न। कितने का रिटर्न किया था, 57,000। उसके बाद क्या है, कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर, तो बाय कैश रिसीव्ड। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, बाय बैड डेट 10,000। फिर है क्रेडिट सेल्स, सेवेंटी टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करते ही बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो इसमें आ गया 12,52,000। तो डेटर्स का क्लोजिंग हम लोग को मिल गया। और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, स्टॉक रिलेटेड जितना भी चीज है वो सब किस में आएगा, स्टॉक अकाउंट में। तो स्टॉक रिलेटेड क्या क्या था, जीएसटी भी था, जीएसटी भी कितना था, 52,20,000। फिर कुछ सामान रिटर्न भी हुआ था, यहां से कुछ घुसता है और यहां से कुछ निकल जाता है। तो यहां से हम लोग, अच्छा यहाँ पे सेल्स भी आता है। ये स्टॉक अकाउंट को तुम लोग सिंपली क्या समझो, जो यहाँ पे हम लोग स्टॉक अकाउंट बनाए हैं वही, बस यहाँ पे बोला था बनाने और वहां पे बोला नहीं था बनाने, हम लोग खुद बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे जो सब लिखे थे वही वहां लिखेंगे। तो बैलेंस होता है, जीएसटी भी होता है, यहाँ पे सेल भी तो आता है और कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों आता है। तो यहाँ पर भी दोनों आएगा, पर याद रहे कॉस्ट प्राइस पे आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आईपी में कुछ भी नहीं है। तो सेल्स ये सब कुछ कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे। तो बाई, अब हम लोग जो भी सामान बेच रहे हैं उसको कॉस्ट प्राइस पे लिखने के लिए लिखेंगे बाई कैश सेल। कैश सेल्स तो लिखेंगे, पर सम में क्लियरली बोला है कि हम लोग जो भी सेल करते हैं वो कॉस्ट प्लस 50% में करते हैं, मतलब 150 में करते हैं। मतलब अगर हम लोग का कॉस्ट प्राइस, मतलब लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, तो हम लोगों का सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस 50%, दैट इज 100 प्लस 50%, मतलब 150 रुपीज में हम लोग सेल करते हैं। तो ये जो सेल दिया हुआ होगा वो 150 होगा, हम लोग उसको 100 बनाना है, कॉस्ट में लिखना है जाकर। तो कैश सेल कितना है, 3,20,000। तो 3,20,000
अगर 150 है तो 100 कितना? टू वन डबल थ्री डबल थ्री. और ऐसे ही क्रेडिट सेल का भी हटाना होगा. क्रेडिट सेल हम लोग का है 72,94,000. इसका भी सेम 72,94,000 डिवाइडेड बाय 150 इनटू 50, तो ये भी आएगा 2,431,333. इस तरह हम लोग का ये फिगर आ गया दोनों इनटू 100 ना. हाँ, तो 72,94,000 डिवाइडेड बाय 150 इनटू 100. ओ 48,462,667. ठीक है, ये आ गया. इसके बाद अगर हम लोग इसको भी बैलेंस कर दे तो हम लोग का इसका भी सीडी आ जाएगा. तो इसका 18,46,000. हम लोग का सेल भी हुआ था पर कुछ सेल्स रिटर्न भी हुआ था. रिटर्न होने से कुछ फिर से अंदर आ जाता है. बट अगेन अगर सेल्स हम लोग का 150 पे था तो सेल्स रिटर्न भी 150 पे ही होगा. तो सेल्स रिटर्न कितना था? 57,000. तो ये भी 150 था तो हम लोग को 100 चाहिए. दैट इज 38,000. तो ये 70,38,000 होगा. तो 18,84,000 होगा. तो इस तरह हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया. अब बात करते हैं पेटी कैश का. पेटी कैश मतलब कैश हम लोग पास जितना आया और जितना गया. ब्रांच के पास जितना आया और जितना गया. ठीक है, तो ब्रांच के पास पैसा कितना आया होगा? ओपनिंग तो 2,500 है. ये पेटी कैश को कैश बुक समझो. अब कैश बुक सबको पता है, बाई से पैसा जाता है, टू से पैसा आता है. कैश मतलब सिंपली कैश बुक. तो हम लोग बाई की तरफ बाई पेटी एक्सपेंस लिखेंगे. इधर हमेशा एक्सपेंस होता है. अभी क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक्सपेंस हुआ कितना है. तो सम में देखो, ये नहीं कि वो कितना हम लोग को पैसा दिया था खर्च करने के लिए. वो हम लोग को जितना भी पैसा दिया था खर्च करने के लिए वो यहाँ पे नहीं आता है. यहाँ पे आता है जो ब्रांच ने खुद खर्च किया था. वो तो मेरे को मेरे सीनियर ने 100 रुपीज दिया और मैंने 100 रुपीज खर्च कर दिया. उसे यहाँ लिख के कोई फायदा नहीं है. जितना घुसेगा उतना ही निकल जाएगा. यहाँ पे आता है कि ब्रांच खुद कितना खर्च किया है अपने पास से, जिसका वो पैसा लेगा. तो सब में क्लियरली लिख देता है पेटी एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच. वो रहता है 80,000. तो याद रहे, अगर क्लियर सेंटेंस लिखना है कि याद रहे, तो बाय पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, जो ब्रांच ने खुद पे किया है, वो वाला यहाँ पर लिखेंगे. और दूसरी तरफ इस तरफ लिखेंगे कि कितना पैसा मेरे को एचओ से मिला है. तो टू कैश रिसीव्ड फ्रॉम एचओ. जिसको ऐसे कैश रिसीव्ड वर्ड सब में नहीं लिखेगा, सम उसको लिखता है रेमिटेंस. रेमिटेंस का मतलब होता है रेमिटेंस फ्रॉम एचओ. मतलब रेमिटेंस का मतलब होता है रिटर्न.
तो एचओ ने रिटर्न पैसा दिया है, मतलब ब्रांच को पैसा मिला है, पर द क्वेश्चन इज यहाँ पे कितना आएगा, हम लोगों को एचओ कितना पैसा दिया है। देखो क्लियरली लिखा था पेटी कैश दिया है हम लोगों को 78,700, जो लिखा था चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, सैलरी के लिए 3 लाख, रेंट के लिए 1,20,000, और पेटी कैश हम लोगों को दिया था 78,700, ये भी खर्च के लिए ही दिया था, पर हम लोगों को पैसा मिला। अब इसको बैलेंस करेंगे, हम लोगों को पैसा दिया 78,700 और हम लोग पास पहले से था 2,500, तो टोटल हम लोग के पास था 81,200, जिसमें से हम 80,000 खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचा कितना 1,200। हम लोग के पास सम में एक ओपनिंग क्रेडिटर्स भी है, जिसके लिए ओपनिंग क्रेडिटर को इधर लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी डैश देके क्रेडिटर्स। जिस तरह एसेट का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है और क्लोजिंग बैलेंस इधर, उसी तरह लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, क्लोजिंग बैलेंस इधर। तो हम लोग का ओपनिंग क्रेडिटर है 60,000 और क्लोजिंग इस तरफ लिखना होगा। टू बैलेंस सीडी, पर यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है, मतलब परचेज रिलेटेड कुछ देगा तभी क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने का फायदा है, तो क्रेडिटर में कोई चेंजेस है ही नहीं, तो यहाँ 60,000 है तो यहाँ पर भी 60,000 होगा। ठीक है, ये नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर नहीं लिखे तो एक कुछ मार्क्स तो डिडक्ट होगा, मतलब आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 60,000 है उधर भी 60,000 है, ये नलीफाई हो गया, पर नहीं लिखने के लिए मार्क्स कटेगा डेफिनेटली। और इस तरफ हम लोग का 60,000 है। अच्छा, यहाँ पर और क्या आता है, देखो हम लोग को जितना भी पैसा रिसीव हम लोग करते हैं वो अल्टीमेटली एचओ को देना पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग खर्च दिखाते हैं और पैसा अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर कोई इनकम आया है तो वो पैसा ब्रांच बैंक एचओ को दे भी देगा, तो यहाँ पर एंट्री दिखाते हैं कि हम लोग पैसा दे दिए हैं, तो बाई बैंक मतलब ये हम लोग रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब याद रहे रिटर्न, यहाँ पे पैसा कौन रिटर्न कर रहा है, ब्रांच, तो रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच पैसा अगर इधर से खर्च करके ले लिया इतना रुपया तो जहां से भी उसका सेल ये सब करके पैसा आया वो दे भी देगा। बाई बैंक क्यों, क्योंकि एचओ का बुक्स है, एचओ के पास पैसा जा रहा है तब वो लिखता है बाई बैंक, और जब उसके पास से पैसा निकल जाता है तब वो लिखता है टू बैंक, तो ये सारा हिसाब किताब एचओ के लिए है। तो कितना पैसा रेमिटेंस होकर आया ये हम लोग कैसे समझेंगे, ये जो अकाउंट बनता है ये प्रैक्टिकली पेटी कैश के लिए बनता है, अभी बनेगा ब्रांच कैश, तो मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। इसमें वो बेसिकली क्या लिखता है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, मतलब ब्रांच का कितना पैसा आया कितना पैसा गया, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखा जाता है। तो टू कैश सेल करने के बाद यहाँ पे है ब्रांच के पास बाहर से पैसा कितना आया और बाहर पे वो कितना खर्च किया, ये जो बनता है ये ब्रांच और एचओ के बीच का बनता है कि ब्रांच को एचओ से कितना मिला और एचओ को उसने कितना दिया, पर यहाँ पर आता है वो बाहर वालों से कितना पैसा लाया और बाहर वालों को कितना पैसा दिया, तो बाहर से वो कैश सेल करके पैसा लाया दैट इज 3,20,000, फिर क्रेडिट सेल करके भी वो पैसा लाया, पर क्रेडिट सेल के लिए यहाँ पे सीधे कैश रिसीव्ड होता है, क्रेडिट सेल तो वो किया पैसा तो नहीं आया, कैश रिसीव कितना किया डेटर लोग से, तो टू कैश रिसीव्ड, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे बाहर से मेरे को कितना पैसा मिला दैट इज 61,10,000, जो इधर पे भी हम लिखे हैं। उसके बाद है बाई, ये जो तीन खर्च किया था वो बाहर वालों को पे किया था तो तीनों खर्चा वहां लिखेंगे by salaries 3,00,000, by rent 1,20,000, by petty cash
78,700 और उसके बाद पर ये सारा का पैसा उसको एचओ से मिल भी गया था तो टू। अब देखो ये वाला चीज अगर हटा दे तो इतना पैसा वो बाहर से लाया, इतना पैसा वो बाहर वालों को पे किया, रियल में उसको कितना रुपया और एचओ से मिलना चाहिए था, तो इसका हिसाब करो 3 लाख उसने पे किया, 1,20,000 पे किया और 78,700 पे किया, जिसमें पर उसको रिसीव इतना रुपया किया था और वो 1 रुपया रिसीव किया था, दैट इज ये सारा खर्च करने के लिए वो जो पैसा रिसीव किया था, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम एचओ 4,987,000। अब हिसाब करो तो हम लोग का आएगा यहाँ पे बाई रेमिटेंस टू एचओ, कितना रुपया उसको एचओ को वापस करना है, उसको 3,20,000 सेल करने से मिला था, डेटर से वो रिसीव किया था इतना और एचओ से रिसीव कर लिया था इतना, माइनस इतना ही रुपया वो खर्च कर दिया था, ठीक है, तो रियल में उसको 64,30,000 पे कर देना है एचओ को, इस साइड आया है, मतलब रेमिटेंस टू एचओ, मतलब एचओ को रिटर्न करना है, तो इधर पे रेमिटेंस टू एचओ लिखो या रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, एक ही बात है। इलस्ट्रेशन ए इसमें बोल रहा है प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ, मतलब अगर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाने बोलता है इन द बुक्स ऑफ एचओ, ब्रांच अकाउंट, सिर्फ ब्रांच अकाउंट बोलता है तो ये डेटर्स मेथड है, तो अब भाई इसमें सब चीज का ओपनिंग दिया हुआ है, पर याद रहे स्टॉक आईपी पे है, पर जिस पे भी है वैसे ही लिख देंगे टू बैलेंस बीडी डैश देके स्टॉक डेटर्स, ठीक है, दो ही चीज है, दैट इज 12,500 और 5,000, तो दो चीज का इसमें ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद बोल रहा है परचेज हुआ है, ठीक है, 1,000 का, वो परचेज नहीं है, वो पेटी कैश है, प्रिंट मिस्टेक है, तो उसको पेटी कैश कर दो 1,000, वो परचेज नहीं, पेटी कैश होगा। उसके बाद दिया है गुड सेंट टू ब्रांच, तो ये यही लिखते हैं हम लोग टू जीएसटी भी, जीएसटी भी है 40,000। उसके बाद है गुड्स रिटर्न टू एचओ, वो यहाँ इसमें है 5,000। उसके बाद दिया है कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो कैश सेल इधर ही आता है, बट डायरेक्टली ऐसे लिखकर नहीं, बाय बैंक लिखकर डैश देकर कैश सेल, कैश सेल है 12,000। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो ये हम लोग बेसिकली अभी नहीं लिखते हैं, जब कैश डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे तो, अभी छोड़ दो, बैड डेट भी वही जाएगा, अलाउंस टू कस्टमर भी उधर ही जाएगा, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न डेटर्स में ही जाएगा, चार्जेस सेंड टू बैंक मतलब क्या क्या पैसा बैंक मतलब हम लोग एचओ ने ब्रांच को दिया है वो ये है, तो ये सारा खर्चा के लिए देता है, तो इधर लिखेंगे एचओ का पैसा जा रहा है, दैट्स व्हाई टू बैंक देकर सारा खर्चा, दैट इज रेट्स है 3,000, फिर है सैलरीज 8,000, फिर है मिसेलेनियस एक्सपेंस 1,000, टोटल आएगा 12,000।
इसके बाद बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है तीनों चीज का, आई मीन क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है तीनों चीज का, तो बाई बैलेंस सीडी स्टॉक डेटर्स पेटी कैश, इसमें तीनों का ही बैलेंस दे दिया है 15,000 4,000 1,000, ठीक है। तीनों का दे देने के बाद अब लास्ट वाला सम जो था वो कॉस्ट प्राइस पे था, पर ये वाला सम इनवॉइस प्राइस पे है, तो लोड भी हटाना पड़ेगा। लोड हम लोग कैसे हटाएंगे, ये वाला जो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है 12,500, इसका लोड हटेगा इधर, दैट इज बाय स्टॉक रिजर्व। अब जानना है कि लोड है कितना, सम में देखो ऊपर लिखा है प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, अज्यूमिंग दैट एचओ सोल्ड गुड्स एट कॉस्ट प्राइस 25%, मतलब कॉस्ट में 25% लोड रहता है, तो वो यहाँ पे करेंगे वर्किंग्स, सेम चीज लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा 100 प्लस 25%, मतलब 125 रुपीज। तो लोड हटाते वक्त ये 12,500 में 125 ये है, तो 25 कितना, 2500, और ये जीएसटी भी का भी हटेगा, उसके बाद इस जीएसटी भी का भी हटेगा, और इस क्लोजिंग स्टॉक का भी हटेगा। इतना करने के बाद और क्या, अभी हम लोग को डेटर्स बनाना पड़ता है और वहां से जो हम लोग का पैसा रिसीव किए हैं, अच्छा इसमें हम लोग डेटर्स अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ओपनिंग डेटर भी दिया है और क्लोजिंग डेटर भी दिया है, तो डेटर अकाउंट हम लोग लास्ट सब में इसलिए बनाए थे क्योंकि क्लोजिंग डेटर था, इसमें क्लोजिंग डेटर नहीं था, इसमें है, तो इसमें किसी भी चीज के अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग जो भी पैसा रिसीव करते हैं वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, अगर हम लोग किसी भी तरीके का पैसा रिसीव किए थे, हाँ बाई बैंक रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, मतलब जो भी पैसा हम लोग का आता है रेमिटेंस होके पैसे का हिसाब वो, पर इसमें किसी भी चीज का अकाउंट नहीं बनाना है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अगर डेटर्स अकाउंट बन रहा है तब वहां का फिगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना है 30,000, इसमें कोई अकाउंट बन ही नहीं रहा है, तो और कहीं से पैसा आया है ऐसा कोई फिगर आएगा ही नहीं। बैलेंस करो, इसके बाद बोल रहा है इलस्ट्रेशन 9, मल्टी चेन्ड स्टोर लिमिटेड दिल्ली हैज इट्स ब्रांचेस एट लखनऊ एंड चेन्नई, हम लोग का दो ब्रांच है, एक लखनऊ में एक चेन्नई में, इट चार्जेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, जब भी वो अपना ब्रांच को कोई भी सामान देता है तो कॉस्ट में 25% ऐड करके, मतलब इनवॉइस प्राइस पे,
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द लखनऊ ब्रांच. यहाँ पे जो भी डिटेल दिया है वो लखनऊ ब्रांच का दिया है. तो बैलेंस ऑन इतना बहुत सारा चीज है. नीचे दिया है गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 सेंट बाई लखनऊ ब्रांच टू चेन्नई ब्रांच वॉज इन ट्रांजिट. पर लखनऊ ब्रांच ने चेन्नई ब्रांच को कुछ सामान दिया था, गुड्स दिया था, जो अभी भी ट्रांजिट में है, मतलब रास्ते में है. शो द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मल्टी चेन्ड स्टोर लिमिटेड. इन द बुक्स ऑफ एचओ रहता है इसलिए उसी का बुक्स बनाने बोला है, पर वो बहुत सारा अकाउंट बनाएगा. लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, लखनऊ ब्रांच डेटर्स अकाउंट, लखनऊ ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, लखनऊ ब्रांच पीएल अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट. इतना सारा अकाउंट दिया है तो वो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है. तो पहले सारे जितना भी अकाउंट दिया है या तो उसको एक साथ ड्रॉ कर लो या फिर एक एक करके करो. हम एक एक करके ड्रॉ करेंगे. इलस्ट्रेशन 9, इन द बुक्स ऑफ एचओ. सबसे पहला अकाउंट बनाने बोला है लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट. अब इसमें वही सिर्फ स्टॉक रिलेटेड चीजों को ही डालेंगे. दैट इज टू बैलेंस बीडी, ये है हम लोग का इनवॉइस प्राइस पे है 30,000. और यहाँ पे डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, वो अभी नहीं, कैश का भी दिया है. ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 12-13 लखनऊ ब्रांच. लखनऊ ब्रांच के लिए दिया है गुड सेंड टू लखनऊ ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस. तो ये टू जीएसटी भी है, पर डेफिनेटली आईपी पे है. दैट इज 3,25,000. उसके बाद बोल रहा है गुड्स रिटर्न टू एचओ, मतलब रिटर्न कर दिए. कितना? 10,000. उसके बाद है कैश सेल. कैश सेल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाई ब्रांच कैश, डैश देके कैश सेल. इसमें कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है. तो ब्रांच का सेल कितना दिया है? 1,00,000. उसके बाद दिया है क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल क्या बोलकर आएगा? बाई ब्रांच डेटर्स, डैश देके क्रेडिट सेल्स, 1,75,000. उसके बाद दिया है गुड्स पिल्फर्ड. गुड्स पिल्फर्ड मतलब गुड्स चला गया तो इधर से ही जाएगा. ये सब डायरेक्टली आता है बाय पिल्फर्ड. By pilfered आएगा 2,000. फिर दिया है goods lost by fire, इधर से ही बाहर जाएगा. ये भी IP पे दिया है 5,000. फिर दिया insurance company paid to HO for loss by fire. ये पैसा मिला है एचओ को क्योंकि लॉस बाय फायर जो हुआ है वो क्लेम मिला है उसका, वो यहाँ नहीं आता है. उसके बाद है कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंस, ये वाला भी यहाँ नहीं आता है. कैश रिलेटेड चीज है, स्टॉक रिलेटेड चीज नहीं. बैड डेट टू ब्रांच यहाँ नहीं आएगा. गुड्स ट्रांसफर टू चेन्नई ब्रांच, गुड्स अगर हम लोग ट्रांसफर किए चेन्नई ब्रांच में तो हम लोग के पास से तो गुड्स चला गया. गुड्स चला जाता है तो बाई में आता है. तो लिखेंगे बाई चेन्नई ब्रांच, डैश देके ट्रांसफर. कितने का गुड्स हम लोग ट्रांसफर किए हैं? 15,000.
उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाई एचओ टू, अच्छा ये जो पैसा खर्च किए हैं वो यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर, अगर डेटर ने मुझे कोई सामान रिटर्न कर दिया है तो मेरे पास वो सामान आ गया, गुड्स आएगा यहाँ से, गुड्स जाएगा यहाँ से, जैसे भी आए जैसे भी जाए। तो अगर डेटर ने मुझे गुड्स वापस कर दिया है तो मेरे पास गुड्स वापस आ गया कितने का, 500। उसके बाद बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस है पेटी कैश का और डेटर्स का, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो बाई बैलेंस सीडी। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का जो बैलेंस निकलता है वो बेसिकली, अच्छा एक बार इसका बैलेंस निकालू, इसके बाद हम लोग बनाएंगे जो बी में बोला है लखनऊ ब्रांच डेटर्स अकाउंट। यहां पर भी इसका ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, तो टू बैलेंस बीडी, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000 और इसका क्लोजिंग भी दिया हुआ है 14,000। उसके बाद डेटर्स रिलेटेड जो कुछ भी दिया है इसमें लिख देंगे, इसमें दिया था क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स इसमें आता है, पर यहाँ पे जो हम लोग अगर हम लोग यहाँ क्रेडिट सेल्स को लिखे हैं बाई ब्रांच डेटर्स से तो वहां पे हम लोग लिखेंगे टू की तरफ क्रेडिट सेल आएगा पर ब्रांच स्टॉक नाम से, तो टू ब्रांच स्टॉक कैश देके क्रेडिट सेल्स। इस मेथड में कुछ भी चीज डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है। क्रेडिट सेल कितना था 1,75,000। उसके बाद उसके बाद था गुड्स पिल्फर्ड यहाँ नहीं आएगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर यहाँ नहीं आएगा, इंश्योरेंस क्लेम नहीं, बैड डेट आएगा, पर बैड डेट ये सब अल्टीमेटली किसमें जाता है पीएल में, तो यहाँ पर वो सब चीज भी आएगा बट पीएल के नाम से आएगा, तो बाय ब्रांच पीएल डैश देके बैड डेट, ये है हम लोग का 500। फिर है गुड्स ट्रांसफर्ड, अच्छा गुड्स रिटर्न बाय डेटर जो है वो हम लोग का आएगा ब्रांच डेटर्स के नाम से बाय ब्रांच स्टॉक के नाम से, क्योंकि उसमें भी लिखे थे हम लोग सेल्स रिटर्न। उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग उसके बाद बोल रहा है ऊपर लिखा था अच्छा और ऐसा कुछ है नहीं, तो बाय ब्रांच कैश डैश देके लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर होगा क्योंकि इसमें ये आइटम आना जरूरी है, तो बैलेंस करो। तो हम लोग का इसमें बाई ब्रांच कैश आ गया। अब तीसरा अकाउंट हम लोग को बनाने क्या बोला है,
तीसरा बोला है लखनऊ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें एक चीज नोटिस करो, सी में बोला है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ और ई में बोल रहा है स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाओ। तुम लोग को लगेगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी लोड हटाने का ही अकाउंट है और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी लोड हटाने का ही अकाउंट है, तो इसमें ये दोनों अकाउंट क्यों दिया है? तो एक बात याद रहे, स्टॉक रिजर्व किसका हटता है? ओपनिंग और क्लोजिंग का, बाकी जीएसटी भी ये सबका भी लोड हटता है, पर स्टॉक रिजर्व नाम से तो हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग का सिर्फ लोड छोड़कर बाकी सबका लोड यहाँ उतार दू। अगर अलग से बोलेगा स्टॉक रिजर्व भी बनाना है तो ब्रांच एडजस्टमेंट में सब चीज का लोड हटाएंगे, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग का लोड नहीं हटाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग का लोड जाकर हटेगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट में। तो यहाँ पे किसका लोड हटाना है हम लोग को? जीएसटी भी का, तो वो यहाँ पर हटा देंगे। जीएसटी भी हम लोग का 3,25,000, पर अब जानना जरूरी है लोड कितना है। सम में क्लियरली दिया था ऊपर कि ब्रांच को कॉस्ट प्लस 25% पे होता है, दैट इज लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, तो आईपी कितना होगा 100 प्लस 25% मतलब 125 रुपीज। ठीक है, इसके बाद और किसका हटेगा? ये रिटर्न का भी हटेगा 10,000, और किसका लोड हटने वाला है? सेल्स का कभी भी लोड नहीं हटता है। उसके अलावा पिलफर्ड का हटेगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर का, तो 2 पिलफर्ड, पिलफर्ड हुआ था 2,000 का, तो 2,000 बाय 125 इंटू 25 400, then 2 goods lost by fire 5,000, तो इसका आएगा 1,000। फिर 2 चेन्नई ब्रांच, $15,000 × 125 × 25, $3,000, उसके बाद और कुछ नहीं। हाँ, तो बेसिकली इतना ही है, इसको बैलेंस करो और इससे हम लोग निकाल लेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ये इसमें डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है, 2 जब स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बनेगा तो हम लोग इसमें 2 स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, डैश दे के लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट।
याद रहे जब भी स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनेगा तो टू स्टॉक रिजर्व लिखना होगा. इसका बैलेंस कितना आएगा? 65,000 तो टोटल है. 58,600. ये हो जाने के बाद अब बनाएंगे हम लोग स्टॉक रिजर्व अकाउंट. ये वाला जो स्टॉक रिजर्व है इसका यहाँ क्रॉस पोस्टिंग होगा, बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट. ये यहाँ आ जाएगा 58,600 बोलकर. अच्छा, स्टॉक रिजर्व में स्टॉक रिजर्व तो लिख नहीं सकते क्योंकि खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं होता है, तो ओपनिंग स्टॉक का अगर हटा रहे हैं तो उसको बाई बैलेंस बीडी बोलेंगे. ओपनिंग स्टॉक का ये रिजर्व हटा रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक कितना था हम लोग का? 30,000. दैट इज 6,000. और इधर पे क्लोजिंग स्टॉक का बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग स्टॉक था 48,500. तो आएगा 97,000. अब इसको बैलेंस करूं तो आएगा 54,900. इससे जाता है सब कुछ ब्रांच पीएल में, नाम होगा नेट प्रॉफिट. इसके बाद इसमें क्या बनाने बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है बी में, बोल रहा है लखनऊ ब्रांच पीएल अकाउंट. बाई स्टॉक रिजर्व डैश देके नेट प्रॉफिट 54,900. ये पीएल में आ गया. इसके बाद अब पीएल में क्या क्या आएगा? जितना भी हम लोगों का खर्च था पीएल बोलकर हम लोगों ने लिखा था सब कुछ लिख देंगे. तो पीएल बोलकर बैड डेट लिखे थे तो उसको लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स, डैश देकर बैड डेट. बैड डेट हुआ था हम लोग का 500 का. उसके बाद इंश्योरेंस, नहीं पिल्फरेज हुआ था. अच्छा, पिल्फरेज ये सब जो कुछ भी हुआ था सब अच्छा. एक चीज याद रहे, पीएल में हमेशा नेट फिगर आता है, लोड ऐड किया हुआ नहीं, कॉस्ट पे आता है. पीएल पूरा कॉस्ट पे ही बनता है. तो पिल्फरेज रियल में कितने का था? रियल में पिल्फरेज था 2000 का, पर उस पे लोड कितना था? पिल्फरेज का लोड था 400. तो ये 400 में लोड हटाकर लिखेंगे. उसके बाद है टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर. ये भी टू पिल्फरेज होगा. इसमें भी हम लोग का गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ था 5,000 का, जिसपे लोड था 1,000 का. ठीक है, इसके बाद हम लोग का और क्या फिगर था?
हाँ, अब अगर ये पीएल है तो इसमें एक्सपेंस भी आएगा, तो टू पेटी एक्सपेंस. पेटी एक्सपेंस हम लोग का कितना है? अब हम लोग को पेटी एक्सपेंस अलग से दिया हुआ नहीं है कि ब्रांच ने कितना पे किया है. जो लिखा हुआ रहता था पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, वो अगर सब में नहीं दिया हुआ है तो फिर कैश का अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा, मतलब कैश बुक बनाकर. तो अब बनाने बोला नहीं है, हम लोग अपने मन में से बना रहे हैं. तो लिखेंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट. ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी, कैश का कितना बैलेंस था? फिफ्टी. और बाई बैलेंस सीडी टू थर्टी. यहां से पैसा आता है, यहां से पैसा जाता है, तो यहां पे हम लोग बाई पेटी एक्सपेंस लिख लेंगे. पर यही हम लोग को नहीं पता है, तो टू देखो पैसा आया कितना. सम में क्लियरली लिखा है कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंस, हम लोगों को पैसा मिला कितना था? कैश रिसीव फॉर पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस करने के लिए हम लोगों को पैसा दिया कितना गया था? 34,000. तो देख लो हम लोगों ने खर्च कितना किया, 50 पहले से था, 34,000 मिला, और अभी हम लोग के पास सिर्फ 230 बचा है. तो हम लोगों ने 33,820 खर्च कर दिया होगा. अच्छा, इंश्योरेंस में देखो, इंश्योरेंस में हम लोगों को मिला था इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाई एचओ. एचओ का कोई खर्चा है तो वो इधर भी आएगा, तो इंश्योरेंस चार्जेस भी पे किया था. इंश्योरेंस चार्जेस पे किया था एचओ 500. तो अब अल्टीमेटली इसको कैलकुलेट करो. 14480. याद होना चाहिए कि ट्रेडिंग पीएल में बोलता था गुड्स लॉस्ट बाय फायर जो होता था वो बाय ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता था, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हम लोग का एसेट में आ जाता था, और जैसे रहता था गुड्स लॉस्ट हुआ है 5,000 का तो वो ट्रेडिंग में आ जाता था बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. इंश्योरेंस क्लेम हम लोग को मिल जाता था अगर 3,000 का तो हम लोग बैलेंस शीट में एसेट में जाके लिख देते थे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 3,000, और अल्टीमेटली जो लॉस होता था उसको आके पीएल में लिखते थे. तो यहाँ पर भी सेम चीज है, इंश्योरेंस क्लेम अगर कुछ मिला है तो वो इससे माइनस हो जाएगा, मतलब 3,000, तो यहाँ पर होगा 1,000. अब बैलेंस करो. तो आएगा 17,480. इसको नाम दिया जाता है टू जनरल पीएल, क्योंकि ये चला जाता है जो हम लोग पीएल बनाते हैं उसमें, ये नेट प्रॉफिट ही है, बट इसको नाम दिया जाता है जनरल पीएल.